आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्च विंडो कैसे बनाई है। रेगुलर विंडो तो बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, लेकिन अगर आर्च विंडो बनाना है जो राउंड वाली विंडो रहती है, तो उसके लिए अब जो हम टेम्पलेट लेने वाले हैं उसके लिए और न्यू फैमिली लिए यहाँ पर, और फैमिली टेम्पलेट्स के अंदर इंग्लिश मेट्रिक जेनेरिक मॉडल वॉल बेस्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट टेम्पलेट है। जैसे हमें विंडो बनाना है लेकिन हम लोग ये ले रहे हैं। ओके, तो ये इस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लेसमेंट सेट है, ये वॉल है। अब यहाँ पे है ना एक ऑप्शन आता है फैमिली कैटेगरीज एंड पैरामीटर्स, तो इस वॉल से रिलेटेड अभी मैं मैकेनिकल और पाइपिंग ऑफ करके आर्किटेक्चर लेता हूँ फिल्टर लिस्ट में से, ये सब चीज़ें तुम इसके ऊपर बना सकते हो। इतने सब फैमिली के कैटेगरीज है उसमें से कोई, तो हमें जो विंडो बनाना है हम विंडो लेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद प्लेसमेंट साइड जाएंगे। प्लेसमेंट साइड में आने के बाद रेफरेंस प्लेन, अब ये वॉल है इसके ऊपर हमें आर्च विंडो बनाना है, तो यहाँ से रेफरेंस प्लेन लेंगे। रेफरेंस प्लेन लेने के बाद पिक लाइन, अभी इसकी जो सील हाइट है वो मैं 650 ले रहा हूँ, स्ट्रेट हाइट जो है विंडो की 1000 ले रहा हूँ, और राउंड शेप में जो हाइट आने वाली है वो 300 ले रहा हूँ, और इसकी विड्थ जो है ना वो मैं 1000 लूँगा, मतलब 500 लेफ्ट और राइट, 500 लेफ्ट और राइट इस तरह से। अब मैंने ये वॉल के अंदर जो है ना, वॉल के ऊपर मैंने रेफरेंस प्लेन डाल के उसका शेप क्रिएट करने की कोशिश की है। अभी उसको सबसे पहले ओपनिंग करेंगे इसमें, यहाँ से हम लोग है ना मॉडल में से ओपनिंग, ये है ना ओपनिंग, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइन से क्लिक क्लिक क्लिक, और यहाँ से आर्क लेंगे यहाँ पे और फिनिश करेंगे। अब 3D में मैं बताता हूँ तुम्हारे को, ये ओपन हो गया है। देखो अगर हम इसको देखेंगे इस तरह से तो ये ओपन हो गया, और ये प्लेसमेंट साइड पे मैंने इस तरह से बनाया हूँ। अभी इसको पैरामेट्रिक बनाने के लिए डायमेंशन देंगे, अलाइन 1 2 क्लिक, 1 2 क्लिक, 1 2 क्लिक, और विड्थ देना है तो 1 2 3 क्लिक। अब ये इक्वल देंगे 1 2 क्लिक, इस तरह से है। अब इसको हमने उसके लेबल्स देना है, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से जैसे कि मुझे ये चाहिए, तो फिर यहाँ से सील हाइट, तो यहाँ पे न्यू लेके सील हाइट, कुछ चीज़ें अगर मैं इंस्टेंस देता हूँ तो बदल सकते हैं उसको, और ये जो है ना इसमें हाइट मिल जाएगी हमें हाइट, और उसको इंस्टेंस रखना है तो ये इंस्टेंस पैरामीटर, और ये राइज इधर नहीं मिलेगा तो क्रिएट पैरामीटर राइज या राउंड शेप भी, राउंड हाइट जैसा चाहिए नाम दे सकते हो, मैं इसको इंस्टेंस नहीं रखता हूँ ऐसे रखता हूँ, और ये विड्थ मैंने विड दे दिया, इंस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो यह मैं इस तरह से इसको पैरामीटर कर दूँगा। अभी सिर्फ हमने ओपनिंग किया है, विंडो का कोई एलिमेंट इसके अंदर है नहीं, तो हम जाएंगे यहाँ से स्वीप के अंदर। देखो स्वीप से हम उसको पहले उसकी जो है ना फ्रेम बनाएंगे, यहाँ पे ये मलियन स्वीप स्केच पाथ लेंगे और लाइन लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, क्लिक 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 आर्क ए एंड पॉइंट पे, ये इस तरह से ये फिनिश कर देंगे, पाथ तैयार हो गया। अब एडिट प्रोफाइल, मतलब इस पाथ पे वो प्रोफाइल कौन सा रन होना चाहिए वो एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, और फ्लोर प्लान रेफरेंस लेवल, ठीक है ये वॉल है टॉप व्यू में देख रहे हैं हम, और ये उसका मिडल पॉइंट सेंटर पॉइंट है। अब मैं सिंपल प्रोफाइल बना रहा हूँ, अलग से आना चाहिए उसका प्रोफाइल, फिर मैं सिंपल प्रोफाइल ताकि बनाने के लिए ईजी हो, सिंपल प्रोफाइल बना रहा हूँ, सिलेक्ट करके पिक मिरर पिक एक्सिस लाइन एक सिंपल, यहाँ पे ग्रो भी आएगा तो वो डेप्थ में जा सकते हैं हम जैसा प्रोफाइल हमें चाहिए, लेकिन मैं एक सिंपल तरीके से बनाऊँ। अगर यहाँ पे ग्लास के लिए प्रोफाइल बनाना है तो फिर ये कट ऐसा भी आ सकता है इसके अंदर। फिनिश, इसको मैं फिनिश करता हूँ, और फिनिश दो बार फिनिश करना पड़ता है। तो स्वीप से हमने इसके फ्रेम, और प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से सब कैटेगरी मलियन रहेगा इसका, फ्रेम मलियन ये सब। अगर हम देखेंगे इसमें
प्लेसमेंट साइड में जाके, तो ये फ्रेम तैयार हो गई, पहले ओपनिंग तैयार की है, उसके बाद ये फ्रेम तैयार है, अभी बीच में ग्लास बिठाना है। तो क्रिएट एक्सट्रूजन, सिंपल एक्सट्रूजन से लाइन क्लिक क्लिक, सॉरी गलत है, मैं यहाँ भी ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ओके क्लिक आर्क लाइन एंड फिनिश। अब ये जो थिकनेस आई है ना, ये मैं समझो 4 mm ही रखता हूँ पहले। अब मैं जाऊँगा इसके रेफरेंस लेवल में, तो ये जो है ना सेंटर से इस तरफ 4 mm आई है। अगर मुझे इक्वल चाहिए तो मैं इधर भी उसको दूंगा -4 या जैसा भी, -2, -2, -2, -3, -3, इस तरह से भी दे सकते हैं। दूसरा, ये अभी ग्लास नहीं है, नॉर्मल एक्सट्रूड है, तो ये सब कैटेगरी इसकी चेंज करेंगे ग्लास। अभी अभी हमने कुछ मटेरियल भी नहीं दिया है, लेकिन जो जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है। अब इसको लोड करके हम बिठा सकते हैं। अब ये जो है ना, हम यहाँ पे विड्थ इस तरह से बदल सकते, हाइट इस तरह से बदल सकते, सी लाइट नहीं लिया उसने, अच्छा ये बदलना पड़ेगा। तो ये हमारी फैमिली तैयार होगी, पैरामेट्रिक फैमिली जिसे हम, तो इसकी प्रैक्टिस करो, और कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लो इसको।